फर्स्ट ईएमई सेंटर सिकंदराबाद नई भर्ती 2023-24 लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की एक और नई भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि किस सेंटर के विद्यार्थी यहाँ पर भर्ती देख पाएंगे और आपकी भर्ती है वो कब से शुरू हो रही है और एज लिमिट क्या रखेगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको ये पूरा जो नोटिफिकेशन है फर्स्ट ईएमई सेंटर सिकंदराबाद के द्वारा जारी किया गया है। इस सेंटर में आपकी जो भर्ती है वो काफ़ी ज़्यादा भर्ती होती है। पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप देख सकते हैं, पूरा जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आपकी भर्ती है कहाँ पर होगी। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट हॉट यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा UHQ फर्स्ट ईएमई सेंटर बोला रूम सिकंदराबाद में आपकी भर्ती है वो यहाँ पर होने वाली है। जो आपकी भर्ती है वो अग्निवीर स्कीम के तहत आपकी भर्ती होगी, जो 9 दिसंबर 2023 से शुरू होकर 10 मार्च 2024 तक आपकी भर्ती है वो चलने वाली है। जो आप देख पा रहे हैं कि शुरू होकर उसके बाद में यहाँ पर आपको दोस्तों बता दूं कि किन किन ट्रेड्स पर आपकी भर्ती होगी। तो यहाँ पर आपको अग्निवीर GD के पदों पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, अग्निवीर टेक्निकल के पदों पर भी भर्ती देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही अग्निवीर एडम असिस्टेंट के पदों पर, ट्रेड्समैन के पदों पर, इसके अलावा आपको यहाँ पर है वो यहाँ पर ड्रेसर सपोर्ट्स स्टाफ यानी ER, इसके साथ साथ ओपन कैटेगरी जो आउट स्पोर्ट्स यानी स्पोर्ट्समैन के विद्यार्थी है वो भी यहाँ पर भर्ती देख पाएंगे, जिसमें स्विमिंग, ड्राइविंग एंड वॉलीबॉल के जितने भी विद्यार्थी है, रिविंग एंड वॉलीबॉल के जितने विद्यार्थी वो भी यहाँ पर भर्ती देख पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों बता दूँ आपकी जो भर्ती है वो कोटेश्वर द्वार 4 TRG BN फर्स्ट EMS सेंटर सिकंदराबाद में आपकी भर्ती होगी, जो 9 दिसंबर 2023 से शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों बता दूं आपके जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो यहाँ पर आपके कंपलसरी रहने वाले हैं, वो आप सभी को पता है, हर वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई भाई को पता नहीं है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपकी जो भर्ती है उसमें जो आपकी एज लिमिट है वो क्या रखी गई है, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थियों की इसमें एज लिमिट की ही प्रॉब्लम है। तो उनको मैं बता दूँ, तो दोस्तों बता दूं इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 1 अक्टूबर 2023 से काउंट की जाएगी। यानी अगर आप अग्निवीर JD के लिए और आप टेक्निकल के लिए असिस्टेंट ग्रेन से किसी भी पद पर भर्ती देखो, उसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल रखी गई है। और जिसमें आप दोस्तों बता दूँ आपकी एज लिमिट है वो 1 अक्टूबर 2002 से लेकर 1 अप्रैल 2006 के बीच में होनी चाहिए। इसके बीच में अगर आपकी एज लिमिट है तभी आप इस सेंटर पर भर्ती देख पाएंगे, अदरवाइज आप इस सेंटर पर भर्ती नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों बता दूँ अग्निवीर जनरल ड्यूटी की भर्ती वो भारत की, चाहे आप किसी भी राज्य से आते हैं, कौन से भी सेंटर, किसी भी सेंटर से हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश राज्य, जहाँ से अगर आप भारत के आप निवासी हो, अगर आपके पास रिलेशन सर्टिफिकेट है तो आप भर्ती देख पाएंगे। टेक्निकल की भी भर्ती है वो पूरे भारत के सभी राज्यों के विद्यार्थी भर्ती देख पाएंगे। और आपके जो ट्रेड्समैन की भर्ती होगी वो यहाँ पर वैकेंसी वो कम रखी गई है, यहाँ पर मात्र 4 वैकेंसी रखी गई है। यानी अग्निवीर चीफ कम्युनिटी के लिए, अग्निवीर ड्रेसर के लिए, अग्निवीर स्पोर्ट्स के लिए, इनकी केवल भर्ती रखी गई है। और ट्रेड्समैन में और पदों पर भर्ती है वो अलग रखी जाती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और आउट स्पोर्ट्स यानी जो स्पोर्ट्समैन के जितने विद्यार्थी उनके लिए भर्ती है वो भी अवेलेबल है, आप भर्ती देख सकते हैं। लेकिन अब भर्तियों की जानकारी इन्होंने नहीं दी। और BSc पास जो बच्चे हैं वो भी यहां पर भर्ती देख सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बता दूं कि आपकी जो रनिंग वगैरह, आप सभी को पता है कि आपकी वही आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी। पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, यदि आपको यह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट जाकर ये पूरा जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो हाइट वगैरह आप सभी को पता है, फिर भी आप सभी को यदि और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 9 दिसंबर से आपकी भर्ती शुरू होने वाली है, तो अभी से आप है वो यहाँ पर अपनी फिजिकल की और एग्जाम की दोनों तैयारी साथ में शुरू कर दीजिए, ताकि आपका इंडियन आर्मी में जाने जो सपना है वो पूरा हो सके। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।